म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन माजिद अली का न्यू कराची टाउन में कायम मुख्तलिफ पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स का जायजा। इस मौके पर उनके हमरा महकमे बागात के डिप्टी डायरेक्टर आफ्ताब अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर बागात जावेद जमाल, डायरेक्टर महकमा बी एंड आर फैसल सगीर, इंजीनियर माजिद हसन, इंजीनियर सफ्तर भी मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर माजिद अली ने कहा कि न्यू कराची टाउन में मौजूद पार्क्स और प्ले ग्राउंड का मुआयना करने का मकसद पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स में मुहैया की जा रही बुनियादी अवामी सहूलियात का जायजा लेना है। उन्होंने कहा कि अवाम को सेहतमंद माहौल की फरहमी के लिए मुंतखब नुमाइंदों के हमरा न्यू कराची टाउन के पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स को बेहतर बनाएंगे ताकि अहलियाने न्यू कराची टाउन को खुशगवार माहौल में सेहतमंद सस्ती तफरीह के मौके हासिल हों। उन्होंने मजीद कहा कि न्यू कराची टाउन के इंतजामी आइंदा माह तक न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार तकरीबन 14 पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स में तजीन आरइश का काम शुरू कर दिया जाएगा। टूट फूट के शिकार झूलों को तब्दील किया जाएगा। पार्क्स में बच्चों को तफरीह फराहम करने के लिए सामान मुहैया करके आवाम के सुपुर्द करने का इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में काम बड़े जोरों शोर के साथ जारी हैं। पार्क्स में खवातीन के लिए वॉकिंग ट्रैक्स और बुजुर्गों के बैठने के लिए खूबसूरत और मायारी बेंचेस लगाई जाएंगी। प्ले ग्राउंड्स को हमवार किया जा रहा है और अतराफ में क्यारियाँ बनाई जा रही हैं। इन क्यारियों में घास और फूलदार पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत और खुशनुमा नजर आएं। उन्होंने मजीद कहा कि न्यू कराची टाउन में सेहतमंद माहौल की फरहमी यकीनी बनाने के लिए शबरोज कोशिशें हैं।